मैसेज दे रहा है मैं आपको बता देता हूँ ये ये, ये मैसेज दे रहा है वीरू क्योंकि अब अर्निंग सीजन शुरू हो गया है हम में से कोशिश करते हैं कि ट्रेड्स को प्रियम्प्ट करें पहले से पता चल जा जाए कि, कि किसके नंबर्स अच्छे आने वाले <coughs> मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ए के नंबर्स आए आपको हम बात हैं उस दिन स्टॉक का रेट था फोर्टी सिक्स हंड्रेड पर फ्रीज लगा उसको ले गया था पाँच हज़ार बीस पर उस दिन की क्लोज थी, थी पांच हजार बीस अब सोचिए आप जो इंसाइडर था उसी ने पैसा बना लिया लेकिन उतना उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी कॉन कॉल में बुलिश रहे सब कुछ हुआ उसके बाद अगर आपने 5000 हजार पे भी ले लिया तो सवा महीने में आपको एक एफ एन ओ करीब पैंतीस परसेंट का मुंह मिल गया पैंतीस परसेंट का मुंह उसके बाद आया अपर फ्रीज के बाद एफ स्टॉक में यही चीज़ ट्रेंड में प्ले हुई थी पिछले दो क्वार्टर में अच्छे नंबर्स के बाद तो हमेशा के बाद आप एक व्यू लेंगे ना ज़्यादा बड़ी ट्रेंड मिलेगी आपको इन, इनसाइडर्स होते हैं ना वो तो एक गैप में निकल जाते हैं उनको तो पोजिशनिंग उस हिसाब से हल्की करनी होती है लेकिन उसके बाद आपको असली मौका मिलता है और ये आपको याद होगा उस दिन से हम बुलिश रहे हैं पर बढ़ रहा है जिस तरीके का मोमेंटम है यहाँ पर और जिस तरीके का प्राइस पैटर्न है यहाँ पर एम कंपनी है फ्री फ्लोट लिमिटेड है ज़्यादा बेचने वाले लोग हैं नहीं यहाँ पर मूव दिया इस स्टॉक ने बहुत संक्षेप में रखिएगा आपका सेंस क्या कह रहा है ए पर अच्छा अभी पार्थिव नहीं है पैनल में ओके दोबारा इस पर कमेंट ले लेंगे मेन वायल निफ्टी ने एक अच्छा पुल बैक लिया और लोअर ट्रजिक्ट्री से इट्स नाउ फोर 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 सिक्स फो टू ये पुल बैक गया कहाँ तक बाईस पाँच सौ तक तो यानी अनसर्टिनिटी में अब थोड़ा सा वो कॉल आइटर कल जो बाईस छः सौ पे था वो नीचे आया बाईस पाँच सौ के जोन को टेस्ट किया इसने स्क्रीन पर और क्या चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं जो कि अच्छा कर रही हैं और इसमें कोई दाय नहीं कि इट्स फार्मा जो कि डोमिनेट कर रहा है अब तक इस सेशन को और मेट्रोपोलिस एक परसेंट ऊपर ए बी बी की बात अभी हुई यहाँ पर जायरस को एक बार डिस्कशन में यहाँ पर लेके आते हैं माना जायरस की प्लेसमेंट लग कैसी रही है यहाँ पे एक बहुत ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कैलकुलेटेड रिस्क क्या रहेगा अब आप देखिए इस चार्ट को रीड कीजिए नवंबर 2023 से कभी भी ट्वेंटी डेमा की टेजक्ट्री इसमें एक बहुत अच्छी जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती है आज भी उसी से शूटअप होता हुआ आपका सेंस इस पर बिल्कुल सही जगह है जहां पर हमने पहले भी रिवर्सल देखा और इस बार भी स्टॉक ने कल सपोर्ट लेके वहां पर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है आज के लिए नजर रखिए अगर ये 996 के 996 के के ऊपर ऊपर सस्टेन करने लगे जाए और वहां पर ट्रेड होने लगे करीब पांच मिनट तक तो उस पर तो आपको खरीदारी करके चलनी है उसके स्टॉक लाउस लगाएंगे और फिर आप टारगेट बड़ा ही सेट करिए फिर आप उम्मीद करिए जो पिछला हाई एक के आसपास था स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो नाइन के ऊपर आज खरीदारी करने के मौके होंगे स्टॉक